ड्यूक 390, एक प्रॉपर बीस्ट, एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी बाइक। एंड अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपके लिए ये बाइक एक सुपर बाइक साबित हो सकती है। क्यों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड ड्यूक 390 मेरे हिसाब से इज वन ऑफ दी परफेक्ट बाइक इन इंडियन मार्केट। अगर आपको स्पीड पसंद है, पावर पसंद है, आपको यहाँ पर जो है हाईवे पे थोड़ी तेज गाड़ी चलाना पसंद है। शुरुआत करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की। मेरा नाम संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। प्राइस जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 387,000 रुपीज़ आता है बाइक का, ऑन रोड जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ। ड्यूक 390 इस बाइक का नाम है। प्रॉपर चेंज हो चुकी है, पहले से मेजर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जो सबसे खास बातें मुझे इस बाइक की लगती है वो मैं आपको एक एक करके अब बताता हूँ। सबसे पहली खास बात, इस बाइक का लुक मुझे लगता है बहुत एक बोल्ड, मैं कहूंगा मस्कुलर लुक हो चुका है एज कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। पहले वाली ड्यूक 390 को जिस प्रकार से आती थी, काफी स्लीक सी आती थी, क्यूट सी आती थी, ये वाली बाइक जो है बहुत मीन हो चुकी है, बहुत ज्यादा एक आपको बोल्ड, एक मतलब शानदार लुक देती है। बाकी पैनलिंग बहुत अच्छी है इस बाइक के अंदर, हेडलाइट क्लस्टर इज वेरी गुड। इंजन अब जो हो चुका है 398.6 सीसी का हो चुका है, पहले 373.33 सीसी का आता था, जो क्यूबिक कैपेसिटी वो बढ़ चुकी है। दिस इज द LC4C इंजन, लोडेड विद पावर, लोडेड विद स्मूथनेस। गियर शिफ्ट अमेजिंग है, बिकॉज आपको पता है क्विक शिफ्टर प्लस आता है यहाँ पर। सो बिना क्लच दबाए, बिना रेस कम करे आप गियर शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हो। अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप आता है काफ़ी अच्छा, स्मूथ बहुत ज़्यादा है, गियर शिफ्ट बहुत अच्छे हैं। माइलेज आपको पता है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स पर लीटर दे देती है। टॉप स्पीड इज ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स पर आवर प्लस आराम से। ऑफसेट सस्पेंशन सिस्टम आ चुका है रियर के अंदर, सीट हाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं रही है, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन सिस्टम है। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम क्लिकेबल एडजस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। एंड यहाँ पर जो है आपको बाइक के अंदर जो और चीज़ें देखने को मिलती है वो है यहाँ पर राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ चुकी है, आप फ़ोन के थ्रू जो है बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आपको जो है ओवरऑल एक कम्प्लीट TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है। कलर स्कीम बहुत अच्छी है इस बाइक के अंदर, हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आ चुका है, USB चार्जिंग पोर्ट आती है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाता हूँ। ये कॉर्नरिंग ABS आता है, डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो आता है, मतलब रियर का डिस्क ब्रेक आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। डिस्क ब्रेक बड़ा हो चुका है, 240 mm का हो चुका है पहले से। यहाँ पर एडजस्टेबल आपको जो है लीवर्स देखने को मिलते हैं बोथ क्लच एंड ब्रेक। यहाँ पर जो है आपको सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। लाइट वेट बाइक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो मज़ेदार है चलाने में। सीट आर वेरी प्रैक्टिकल देन बिफोर, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है पहले से। ग्रैब बार्स देख सकते हैं आप रियर में कुछ इस प्रकार से, आपको रियर सेक्शन देखने को मिलता है, रियर पैनलिंग देखने को मिलती है, टेल लाइट नहीं हो चुकी है, इंडिकेटर्स पहले वाले ही आते हैं। फील प्रॉपर डिफरेंट हो चुकी है, फ्यूल टैंक बड़ा हो चुका है, तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक आता है यहाँ पर। ओवरऑल जो पावर आउटपुट है दैट इज़ इंक्रीज्ड, तो मुझे पर्सनली जो है इस बाइक की पावर बहुत अच्छी लगती है, इस बाइक का राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको एक डिफरेंट बाइक एक्सपीरियंस, डिफरेंट फील देगी ये बाइक एज कम्पेयर टू द ओल्डर ड्यूक 390, बिकॉज ऑफ लोडेड विथ फीचर्स एंड टेक एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पर जो है आपको नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर, आप देखना चाहते हो वाइल राइडिंग द बाइक। एंड ब्लूटूथ के थ्रू आप पहले भी कनेक्ट कर सकते थे, अब भी कनेक्ट कर सकते हो वाइल राइडिंग द बाइक ऑन द गो। बाकी इसके अंदर राइडिंग मोड्स आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। इंजन पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। बाकी पावर के हिसाब से तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बाइक्स इन इंडियन मार्केट। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट है, अंडरबेली एग्जॉस्ट नोड की वजह से बहुत क्लीन लुक आता है रियर में, तो वो भी अच्छी चीज़ है। डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं न्यू डिज़ाइन वाले, 320 mm के आते हैं, बाइब्री कैलिपर्स आते हैं, स्टारफिश अलॉय व्हील्स हो चुके हैं, पहले जो है कुछ इस प्रकार से अलॉय व्हील्स आते थे वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, अब स्टारफिश वाले आ चुके हैं 17 इंचज़ के फ्रंट और रियर दोनों में। यहाँ पर ओवर जो है आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ द टायर्स लुक लाइक, मेटजलर्स के आते हैं, MRF के नहीं आते। मेटजलर इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, गुड ग्रिप, गुड क्वालिटी टायर्स, टॉप स्पीड पे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराएगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ प्योर पैकेज। अगर आप अपने लिए एक सुपर बाइक ढूंढ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है उतना ज़्यादा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्यूक 390 ले सकते हैं एक बार को, बिकॉज पावर टू वेट रेशियो इज़ वेरी अमेजिंग, पावर इज सुपर्ब। यहाँ पर जो है आपको बहुत एग्रेसिव बाइक फील होगी, मतलब सेकेंड और थर्ड गियर में भी ईजिली व्हीली मार सकते हो आप इस बाइक पर। एंड सबसे ईजी मतलब व्हीली मारना ना KTM की बाइक्स पर है, बहुत ही आराम से आप व्हीली मार सकते हो किसी भी बाइक पर, अगर आपको मतलब ऐसे व्हीली करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन, सो
पूरा आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइड करिए ड्यूक्स 990 को। सो अपने लिए अगर आप एक अच्छी बाइक ढूंढ रहे हैं, 4 लाख के आसपास का बजट है, 4 लाख से सस्ती है वैसे ये, बट 4 लाख का आपका बजट है तो आप ले सकते हैं। एंड आपको कैसी लगती है ड्यूक्स 990 कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सच अमेजिंग कॉन्टेंट। एंड यहाँ पर लिख के आ रहा है थ्रॉटल अंडरस्कोर राइड, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, लर्न हैप्पी इनवाइट सेफ, बाय।